एवरी वन इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट पैरासिटोलॉजी का जो पहला टॉपिक है ट्रिपेनोसोमा उसे हम पढ़ेंगे ट्रिपेनोसोमा एक पैरासाइट है ठीक है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है जो डिजीज़ वो कॉज करता है उसके सिम्टम क्या हैं ठीक है उसके प्रिवेंशन क्या है उसका ट्रीटमेंट क्या है तो आंसरिंग स्टार्ट करने से पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन ज़रूर लिखते हैं आंसर में ठीक है इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ क्लास मैस्टिकोफोरा ऑर्डर प्रोटोमोनाडीना जीनस ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा एक पैरासाइट है जैसे कि मैंने बताया पैरासाइट क्या होते हैं पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं ये जो न्यू, ये है जो ट्रिपेनोसोमा ये ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज को कॉज करता है इस डिज़ीज़ में क्या होता है पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है सोचने और समझने की क्षमता को खो देता है और मेंटली वीक हो जाता है दिमागी तौर पे बीमार हो जाता है स्लीपिंग सिकनेस डिज़ीज़ मैन में दो स्पीशीज़ के द्वारा फैलाई जाती है ट्रिपेनोसोमा की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं लेकिन सारी ही स्पीशीज़ ह्यूमन्स में स्लीपिंग सिकनेस या कोई भी डिजीज़ नहीं फैला सकती सिर्फ दो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन्स में डिज़ीज़ फैलाती हैं चलिए देखते हैं वो कौन सी स्पीशीज़ हैं ट्रिपे स है गैम्बियन फीवर फैलाती है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है जो स्पीशीज़ है सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती ट्रिपेनोसोमा सदर ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है और रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करती है अब स्ट्रक्चर देखेंगे ट्रिपेनोसोमा की क्या होता है ट्रिपेनोसोमा सिलेंड्रिकल इलॉन्गेटेड पैरासड है उसकी बॉडी फ्लैटन यानी चपटी होती है कलरलेस होती है बहुत ही ज्यादा छोटी माइक्रोस्कोपिक होती है टेपरिंग बोथ ends में दोनों ही साइड पर नुकीली टाइप की टेपरिंग होती है दोनों ही साइड ब्लड में और सी एस एफ में रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड क्या होता है आई होप कि मोस्टली लोगों को पता होगा जो हमारा ब्रेन होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सराउंडिंग में एक फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसे सरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहते हैं ये हमारे ब्रेन को शॉक से और किसी बाहरी प्रभाव से एक्सीडेंट से बचाता है ठीक है तो इसे सरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहते हैं तो ये जो पैरासाइट है ब्लड और सरीब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है कुछ पैरासाइट स्पिंडल शेप के भी होते हैं उनके पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और रॉड शेप फ्लाजुलम होता है फ्लाजुला क्या होता है कोई भी इंसेक्ट है या पैरासाइट है उसके पीछे जो लोकोमोशन के लिए टेल होती है उसे हम फ्लाजुला कहते हैं ट्रांसमिशन पैरासाइट का कैसे होता है ट्रिपेनोसोमा का ट्रांसमिशन यार्क ने नाइनटीन में बताया था कि वो सैसे फ्लाई से होता है ठीक है आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में कुछ और भी चीज़ें इंक्लूडेड है इसके स्ट्रक्चर में पैलिकल है जो कि आउटर कवरिंग होती है वो शेप को मेंटेन रखती है फ्लैजुला होता है जो कि यूनी फ्लैजुलेट होता है और ब्ले फेरोप्लास्ट से ओरिजिनेट होता है काइनेटोप्लास्ट एक पॉइंट टाइप का होता है जिससे सेल डुप्लीकेट होते हैं साइटोप्लाज्म अंदर का जितना कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में आता है मींस बाहर का एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म अभी आप डायग्राम देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा न्यूक्लियस है वो सिंगल लेयर होता है उसके अंदर क्रोमैटन मटीरियल होता है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकोमोशन में हेल्प करती है तो जो फ्लैजला होता है और अंडूलेटिंग मेमब्रेन होती है मेनली इनकी मदद से ट्रिपेनोसोमा मूव कर पाता है ठीक है लोकोमोशन के लिए मदद करते हैं अब ट्रिपेनोसोमा का डायग्राम देख लीजिए ये का डायग्राम है फुल लेबल डायग्राम है इसको आप आंसर में एज इट इज बनाएंगे इसके पास अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है काइनेटोप्लास्ट है ब्लेफेरोप्लास्ट है ठीक है ब्लेफेरोप्लास्ट से ही देखिए वो ओरिजिनेट हो रहा है एक्टोप्लाज्मा है बाहर का प्लाज्मा एंडोप्लाज्मा है अंदर का अटैच्ड फ्लैजुलम होता है न्यूक्लियोलस बाहर न्यूक्लियोलस और कुछ फूड ग्रेन्यूल्स जो है अपनी बॉडी में रिजर्व करके रखता है पैलिकल आउटर कवरिंग और एक पीछे फ्री, फ्री फ्लाजिलम होता है ये इसका डायग्राम था उसके बाद इन्फेक्शन मैन में देखते हैं ये पैरासाइट ह्यूमंस में कैसे पहुँचता है आखिर जो सेसे फ्लाई होती है वो अपने अंदर लिए रहती है इस ट्रिपेनोसोमा को और जैसे ही वो किसी इंसान को काटेगी बाइट करेगी तो उसकी ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट को भेज देगी और जैसे ही वो इंसान के अंदर गया फिर वो डिजीज़ कॉज करता है तो ये यह फ्लाई जो है मैच्योर ट्रिपेनोजोम्स को मेटासाइक्लिक स्टेज में अपने सलाइवरी ग्लैंड में लिए रहती है और जब भी वो किसी को बाइट करेगी तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म ट्रिपेनोसोमा का उस इंसान के अंदर जो कि अनइन्फेक्टेड था उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा मेटासाइक्लिक स्टेज क्या होती है अभी आगे आपको ही क्लियर हो जाएगा <laughs> फिर ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आप एग्जाम में आंसरिंग कर रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको लिख देंगे तो अच्छा आंसर बन जाएगा टी गैम्बीस है रोडेशंस है कुर्जी है, एक है इवेंसी है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इनका प्राइमरी होस्ट कौन सा है शरीर में कौन से एरिया को अफेक्ट करते हैं और कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये देखिए अब लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा देखते हैं ट्रिपेनोसोमा एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है डाइजेनेटिक पैरासाइट का क्या मतलब होता है कुछ ऐसे पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करते हो वैसे पैरासाइट को हम डाइजेनेटिक कहते हैं कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जैसे इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे कि गार्डिया लैम्बलिया पैरासाइट है वो मोनोजेनेटिक होता है मतलब उसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाती है उसे किसी दूसरे होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जो ये पैरासाइट है ये डाइजेनेटिक है इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी पूरी करने के लिए दो होस्ट चाहिए प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है ह्यूमन बींग सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं सेकेंडरी होस्ट इसका सेसेफ्लाई होता है ग्लासिना पैलपैलिस लाइफ साइकिल इसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि पॉलीमॉर्फिक स्टेजेस इसमें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि लेप्टोमोनाट क्रिथीडियल एंड लहिशमेनिया स्टेजेस ठीक है इसीलिए कॉम्प्लेक्स होती है लाइफ साइकिल अब प्राइमरी होस्ट में देखते हैं ये जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ये प्राइमरी होस्ट में कैसे पहुँचती है ब्लड में इनोकुलेशन के थ्रू पहुंचती है उसने बाइट किया फिर वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी उसके ये जो फ्लाई है मेटासाइक्लिक फॉर्म ट्रिपेनोसोमा का वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है किसके इंसान के फिर वहाँ पर क्या प्रोसेस होती है ये जो है ट्रिपेनोसोमा कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में फिर बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद ये एक ऐसा फॉर्म बना लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक मीन सुखड़ा हुआ होता है श्रिंक शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बना लेते हैं जिसके पास फ्री फ्लाजुलम नहीं होता है ठीक है फ्री फ्लाजुलम नहीं होगा डिवॉइड मतलब लैक मतलब नहीं होगा तो फ्री फ्लाजुलम ना होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं. जब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो वो कुछ खा नहीं पाएंगे और जल्दी ही वो जाएंगे वही चीज लिखी है कि जब वो फ्लाजलम उनके पास नहीं होता है तो फिर वो अनेबल टू फीड और सिंपली डाई जल्दी वो मर जाते हैं लेकिन अनलेस दे आर इंटरमीडिएट होस्ट जब तक वो किसी इंटरमीडिएट होस्ट के द्वारा सक नहीं किए जाते अगर किसी इंटरमीडिएट होस्ट ने उनको सक कर लिया तो तो वो उसके माउथ में पहुंच जाएंगे और अगर कोई भी सैसे fly सक नहीं करती है तो वो पड़े पड़े मर जाते हैं ठीक है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते तो खाना खा नहीं सकते इसलिए मर जाते हैं लाइफ साइकिल आप इंटरमीडिएट होस्ट में देखते हैं कौन है इंटरमीडिएट होस्ट ससेफ्लाई ससेफ्लाई क्या होता है जब वो सक कर लेती है उसको ट्रिपैनोसोम को तो शॉर्ट स्टंपी फॉर्म खून को जब वो पीती है उसके साथ-साथ वो चले जाते हैं जो भी इंसान इंफेक्टेड था ठीक है चले गए फिर क्या हुआ वो उसके मिडगट में पहुंचते हैं और वहाँ फिर बहुत तेजी से लोंगिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा मल्टीप्लाई करने लगते हैं ठीक है अब ये लाइफ साइकिल उसकी कहां हो रही है ससेफ्लाई के अंदर मतलब आधी लाइफ साइकिल उसने ह्यूमन के अंदर कंप्लीट करी फिर उसके बाद आधी उसने अपने सैसे के अंदर कंप्लीट करी दो होश जरूरत पड़ी बाइनरी फिजन से करी फिर क्या होता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बन जाता है फिजन के बाद ठीक है और फिर धीरे धीरे वो सेसेफ्लाई के मिड गट से सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं मेटामॉर्फोसिस का मतलब किसी एक फॉर्म से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके माउल्टिंग करके कोई दूसरा फॉर्म बना लेना उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं तो वो मेटामॉर्फोसिस करके क्रिथीडियल फॉर्म बना लेती हैं ये सब नाम आपको बहुत ध्यान रखने हैं और बिल्कुल सही लिखने हैं क्रिथीडियल फॉर्म बना लेती है जिसे हम जिसकी एक कैरेटिस्टिक होती है क्योंकि उसके पास एक shorter flagella होता है अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है और जो उसका काइनेटो होता है वो न्यूक्लियस के जस्ट सामने होता है इतनी चीज़ें आप लिख देंगे ठीक है ये कहाँ हो रहा है सैसे फ्लाई के अंदर हो रहा है फिर जो क्रिथीडिया वाला फॉर्म है ये और आगे मल्टीप्लीकेशन करता है और फाइनली एक मेटासाइकलिक फॉर्म को डेवलप कर देता है मेटासाइक्लिक फॉर्म जब बन जाता है तो वो ही इन्फेक्शस स्टेज होती है मीन्स अब वो पास होने होने के लिए तैयार है और वो एक नए प्राइमरी होस्ट को एक नए इंसान को इन्फेक्ट करेगा ठीक है ये है इसकी लाइफ साइकिल ये लाइफ साइकिल आप पूरी एज़ इट इज़ बना लीजिएगा कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये मैन के अंदर हो रही है जो नीचे हो रही है ये सेसेफ्लाई के अंदर हो रही है यहाँ पर लिखा है मैंने फॉर्म इन मिड गड मिड गड में ये हो रही है और ये सलाइवरी ग्लैंड में हो रही है अभी मैंने आपको ऊपर समझाया ना कि सलाइवरी ग्लैंड में जब वो जाती है तब वो क्रिथीडिया फॉर्म में बदल जाती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हुआ तब वो लॉन्ग फॉर्म में थी फिर क्रिथीडिया फॉर्म में बनी शॉर्ट हो गई श्रिंक हो गई फिर और डिविजन किया तो उसने मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ठीक है मेटासाइक्लिक फॉर्म ही आगे जाके इंसान के अंदर फिर चला जाता है फिर मल्टीप्लीकेशन इसी तरह यह साइकिल चलती रहती है अब पैथोजेनेसिस देखेंगे पैथोजेनेसिस में ज्यादा कुछ नहीं है बस ये है कि यह गैम्बियन फीवर कॉज करती है जो कि कुछ ही दिनों तक रहता है लेकिन अगर आपका ये जो गैम्बियन फीवर कुछ दिनों तक रहता है किसमें स्मॉल इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन काफी लार्ज है तो आपको केसेस देखने के मिल सकते हैं और काफी ज्यादा अमाउंट में आपको इसके इफेक्ट देखने के मिल सकते हैं जैसे लिम्फ ग्लैंड एन हो जाता है अनिमिया यानी खून की कमी हो जाती है वीकनेस आ जाती है और जो कंडीशन है स्पीलिन और लिवर एन हो जाता है ठीक है ठीक है और जब जबकि ये पैरासाइट सेिब्रोस्पाइनल फ्लूड में चला जाता है ब्रेन में तो स्लीपिंग सिकनेस को क्योर करमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला गया तो इंसान की कॉन्शियसनेस को मेंटल हेल्थ को सब कुछ ख़राब कर देता है रेगुलर इंटरवल्स पर और अगर ऐसा ही चलता रहा ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर जो है जो इंसान है वो पर्सन है वो कोमा में जा सकता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है प्रिवेंशन और कंट्रोल में देखेंगे प्रिवेंशन क्या है हमें बाइट से कंट्रोल मतलब रखना है जो मॉस्किटो होते हैं या फिर जो और सारे वेक्टर्स होते हैं जैसे सैसे फ्लाई हो गए इन सबसे दूर रहना है इराडिक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं स्प्रे करते हैं इंसेक्टीसाइड का जनरली यूज़ डीडीटी होता है जनरल क्लीनलीनेस रखते हैं अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दे गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने दें अपनी खुद की साफ सफाई हाइजीन मेंटेन करते हैं जिससे कि हम बच सकते हैं एलिमिनेशन करते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड का कहीं भी अगर इकट्ठा पानी है तो उसे हटा देते हैं जिससे कि वो जो फीमेल है वो एग्ना ले कर पाए ठीक है बीमारी और ना फैले यूजेज़ ऑफ़ इंसेक्टिसाइड तरह तरह के इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट के लिए जो है स्लीपिंग सिकनेस का ट्रीटमेंट कब हो सकता है जब इन्फेक्शन आपका बहुत स्मॉल स्टेज में हो अर्ली स्टेज में हो तो तो उसका क्योर है ट्रीटमेंट से दवाइयों से लेकिन अगर वो आपका इंफेक्शन काफी लॉन्ग टर्म का हो गया ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो वो क्योरेबल नहीं है क्योंकि तब स्लीपिंग सिकनेस का जो पैरासाइट है वो सरिब्रोस्पाइनल फ्लूड में जा चुका होता है ठीक है आर्सेनिक एंटीमनी कंपाउंड जनरली यूज होते हैं मेडिसिन जो है इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होती है टॉक्सिल पेंटामिडीन स्यूराम सोडियम एंड जर्मेनियम ये कुछ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने वाले चीज़ें हैं अब आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू